हेलो जी, नमस्ते। देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे वर्मिसली उपमा, जो कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है जिसे सब्जियों में मिलाकर बनाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक भगोने में पानी रखेंगे उबलने के लिए। एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, एक छोटे चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम पानी को उबालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम सिवई यानी वर्मिसली, उसको हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे और 2-3 मिनट तक उबालेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, वर्मिसली हमारी बॉयल हो चुकी है। अब इसे हम चेक करेंगे। इसके लिए हम दबा कर देखेंगे कि हमारी वर्मिसली अगर दब रही है तो इसका मतलब कि वर्मिसली हमारी बॉयल हो चुकी है। इसे ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये ज़्यादा गल जाएगी और उपमा हमारा अच्छी तरीके से खिला खिला नहीं बनेगा। अब इसे हम एक छन्नी की सहायता से इसे हम छान लेते हैं। छानने के बाद इसे हम तुरंत ठंडे पानी से एक बार धुल लेंगे। नहीं, ऐसा करने से हमारी सेवइयाँ खिली खिली बनेंगी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे, फिर उसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों या राई, जो भी आपके पास हो डाल सकते हैं, और इसे हम भूनेंगे थोड़ी देर। फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। इसके बाद सरसों जो हमारी चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे करी पत्ते। करी पत्ते हमने लिए हैं 10-12, हम डाल देंगे इसमें। इसे हम चलाएंगे। फिर इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई। हरी मिर्च हमने 3-4 ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटे हुए प्याज और उसे हम थोड़ा भूनेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज हमारा भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 6-7 बीन्स बारीक कटी हुई, गाजर आधी बारीक कटी हुई। सब्जियां हम अपने अनुसार ले सकते हैं, कुछ भी आप इसमें से स्किप भी कर सकती हैं। अब हम सब्जियों को किनारे करके बीच में 1 चम्मच तेल डालेंगे। उसमें हम 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चना की दाल डालकर इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसे हम तेल में पहले ही डालना चाहिए था हमें सब्जियों के पहले, पर मैं भूल गई थी तो अब डाल रही हूँ। आप इसे पहले ही तेल में फ्राई कर लीजिएगा। दाल हमारी सूखी ही रहेगी, इसे भिगाना नहीं है। इसे मिला लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी 1/2 छोटी चम्मच, फिर अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक हमने 1 चम्मच डाला, आप अपने अनुसार डाल लें। मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच रोस्टेड काजू जो कि टुकड़ों में कटा हुआ, मूंगफली 1 बड़े चम्मच, ये भी रोस्टेड है, इसे हम मिला लेंगे। अब हम अपनी वर्मिसली को डाल देंगे इसमें और इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। चलाते हुए मिक्स करेंगे। फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। सेवई यहाँ पर हम मोटी वाली लेंगे, अगर सूजी की हो तो और अच्छी है, हेल्दी होती है थोड़ी सूजी वाली। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के लगभग पानी और 1 नींबू का रस डालेंगे इसमें हम डाल के। इसे चलाते हुए मिलाएंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। एक मिनट हो गया है, अब हमारी वर्मिसली अच्छी तरीके से पक गई है। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो लीजिए, हमारी गर्मा गर्म वर्मिसली उपमा बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं कैसी बनी थी। थैंक यू।